here for a basic event, reproduction is the creation of a DNA copy. Cells use chemical reaction to build copies of their DNA. This creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining lab processes. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to two cells. These two cells are of course similar, but they likely to be absolutely identical. The answer to this question would depend on how accurately the copying reaction involved occur. No biochemical reaction absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. As a result, the DNA copies generated will be similar but not be identical to the original. Some of the variation might be so drastic that the new DNA copying cannot work with the cellular apparatus inherits. Such a newborn cell will simply die. On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. Thus, surviving cells are similar to but subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is a basis for evolution, as we will discuss in the next chapter. तो यहाँ क्या है, जैसे यहाँ बताया गया है कि जो cells होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन डीएनए दो तरीके का कॉपी बनाता है, ठीक है। तो जो कॉपी बनाता है किससे बनती है, सेल जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, सेल यूज केमिकल रिएक्शन की वजह से जो सेल्स हैं कॉपी बनाते हैं डीएनए की। फिर उसके बाद जो कॉपी बनती है डीएनए की, उसमें से जो एक कॉपी है वो तो रख ली जाती है, ठीक है, और जो दूसरी कॉपी होती है उसे हटा दिया जाता है। बिकॉज जो दूसरी कॉपी होती है उसके पास कोई भी मतलब कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता जिसकी वजह से वो अपनी जो लाइफ मेंटेन कर सके। इसलिए क्या होता है, जो डीएनए कॉपी होती है उसका क्रिएशन एडिशनल सेलुलर एपरेटस से किया जाता है, और उसके बाद जो डीएनए कॉपीज होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। इसके बाद जो डीएनए एपरेटस है वो दोनों मतलब सेल डिवाइड हो जाते हैं दो सेल्स में। जो डीएनए बना हुआ है उसके जो सेल्स हैं वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो ये दो सेल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। पर बताया गया है कि जो ये दो सेल्स हैं क्या वो सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं, तो इसका आंसर है नो। ये जो सेल्स होते हैं आइडेंटिकल नहीं होते, बिकॉज इनके अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके कारण, वेरिएशन के कारण जो डीएनए कॉपी हम जनरेटेड करते हैं वो सिमिलर हो सकती हैं बट नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। ओरिजिनल की जैसे मतलब जैसे ओरिजिनल था उस तरीके से वो आइडेंटिकल नहीं होती। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट टू बी ड्रास्टिक that the new DNA cannot work from these cellular apparatus inherits. अब क्या होता है, जो ये variation है कुछ drastic changes हो सकते हैं, तो इसकी वजह से जो ये new DNA है काम नहीं कर सकता है। और कुछ जो मतलब एक हमने निकाल दिया था, और कुछ जो न्यू बॉन्ड्स होते हैं उनकी वजह से वो डाई भी, मतलब सेल विल सिंपली डाई, जो सेल होते हैं वो मर भी जाते हैं। अदर हैंड there would still be some other variation, इसकी मतलब कुछ और variations भी हो सकती है, कुछ और variations जिसकी वजह से कोई drastic change तो नहीं होता but वो survive कर जाता है। survive इसलिए कर जाता है because वो जो, तो यहाँ जो DNA में जो change आ रहा है, change क्या मतलब, जैसे मैंने बताया कि वो जो DNA की जो copies हैं वो cells हैं वो similar तो हो सकते हैं but क्या हो सकता है उसके अंदर, वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। आइडेंटिकल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज, तो एग्जैक्ट नहीं हो सकते। सिमिलर इसलिए होते हैं बिकॉज उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ जाती हैं, और वेरिएशन आने की जो वजह होती है वो इसलिए कि जो भी आगे जो भी जनरेशन आ रही है उसमें, ताकि इवोल्यूशन आए, इवोल्यूशन उसमें कोई भी अगर डिफेक्ट है या कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ है जो आगे जानी चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ जो जेनेटिक डिसीज़ होती हैं वो भी उसकी वजह से रिसेसिव हो जाती हैं, इवोल्यूशन की वजह से रिसेसिव हो जाती हैं। तो इसी वजह से जो डीएनए है उसके अंदर इवोल्यूशन ज़रूरी है। इसी वजह से जो डीएनए की जो कॉपीज़ होती हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, मतलब ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट कॉपी बने, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाती है।